हेलो एवरी वन आई होप आप सब खैरियत से होंगे वेलकम टू आसिम सर प्रोडक्शन वंस अगेन इस वक्त हम वंस अगेन आर सी आई सी कंसल्टेंट भाई के साथ मौजूद है जी एक प्रोग्राम है uh, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा शायद किसी को नहीं भी पता होगा वो है जी सेल्फ क्या प्रोग्राम का नाम था लखी भाई सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है जी आ, ये उनके लिए है जो लोग कनाडा में एज आ जिनके पास पाकिस्तान इंडिया में आर्टिस्ट की एक्सपीरियंस है वो थिएटर पे काम किया किए स्टेज थिएटर पे या क्रिकेटर्स हैं आप यू नो सॉकर में या हॉकी में आ, आप आपने आपका एक्सपीरियंस है आपने खेला हो वहाँ पर या आप कोच कोच वगैरह वह हैं वहाँ पर तो ये प्रोग्राम आपको सूट करता आप इस प्रोग्राम में कैनेडा आ सकते हो इसकी इतनी आसान रिक्वायरमेंट आप मुझे लकी भाई ने बताई है अभी लकी भाई आपको डिटेल से बताएंगे कि ये प्रोग्राम किस किस के लिए काम करता है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है किस तरह से आप कनाडा आ, आ सकते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो लकी भाई सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी थैंक यू सो मच वंस अगेन आपने टाइम दिया लकी भाई व्हाट इज़ सेल्फ क्या प्रोग्राम का नाम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी मैं हमेशा बोलता हूँ लकी भाई मैंने पहले बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी प्रोग्राम्स ये क्या है जी सर इसमें ऐसा है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप कोच हो आप एथलीट हो जब आप कल्चरल एक्टिविटीज़ का कुछ का काम कर रहे हो जैसे टीवी थिएटर में हो जा सिंगर हो ठीक है, है? जहाँ आप आ, बेसिकली आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो ठीक है, है? आप पिछले चार पाँच साल का एक्सपीरियंस है आपका okay. तो अगर आपका पाँच साल का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के थर्टी फाइव पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और आप क्वालीफाई कर जाओगे इसमें कुछ ड्रॉ नहीं होता इसमें सिर्फ ऐसा है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करनी है एज अगर आपकी ट्वेंटी वन से फोर्टी नाइन तक एज है आपको दस पॉइंट मिल जाएंगे uh -huh. और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज में आपको सी एल बी फोर चाहिए दैट इज़ मिनिमम ओके ठीक है वो तो कोई भी ले सकता है ठीक है और बेसिकली ये प्रोग्राम बहुत इजी है।, है हमको डेमोस्ट्रेट करना है कि हम वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ठीक है और हम कनाडा में भी वी हैव टू डेमोस्ट्रेट थ्रू बिजनेस प्लान और हमको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम वही काम यहाँ पर करेंगे और अपनी इनकम खुद जनरेट करेंगे और कैनेडियन इकोनॉमी में ग्रोथ में जो अपना हिस्सा डालेंगे ठीक है लकी भाई इसमें क्या जो हमारे आर्टिस्ट लोग देख रहे हैं या फिर जो करेक्टर्स हैं आ, वो ये भी ज़रूर पूछना चाहिए कि इसमें कोई एजुकेशन भी को मैटर करती है एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं ओके सो बेसिकली अगर आपके पास बारहवीं है uh -huh. तो यू गेट अराउंड फाइव पॉइंट्स हाई स्कूल के और अगर आपके पास मास्टर्स है तो आपको पच्चीस पॉइंट मिलेंगे सो so, बेसिकली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है चार पॉइंट हैं प्लस टू है सो तो आप इस प्रोग्राम में क्वालिफ़ाई कर सकते हो तो लकी भाई इसको अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो जैसे क्यों कैनाडा की वेबसाइट है क्योंकि मैंने इस, मुझे नज़र नहीं आया कि कौन सी कैटेगरी में इसको अप्लाई किया जा सकता है आप गूगल पे जाओ सर्च करो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है ओके okay. वो डायरेक्ट पी की कैटेगरी है आपकी फैमिली आपके साथ आ सकती है फैमिली भी आ सकती है सब सारा जो भी आपका परिवार है सब एवरीबडी कैन कम टुगेदर इसका दो तीन साल का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है इसका और आप इसकी पेपर एप्लीकेशन जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं जाती है नहीं। सो पेपर एप्लीकेशन आपको लगानी है उसमें दो तीन साल का प्रोसेस है और बीच में जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे वो आपसे मांग लेंगे अगर हम आपकी फ़ाइल लगा रहे हैं तो हम आपको बता देंगे और ठीक है जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो वी विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस अच्छा एक ना एक इसमें मुझे याद आ आगे विजय भाटिया ऐसे क्या नाम है ये इंडिया से हैं ये भी एक आर्टिस्ट हैं इन्होंने स्टार प्लस में काम किया हुआ है इन्होंने सहारा टीवी पर काम किया हुआ है इन्होंने थिएटर में भी काम किया हुआ आई गेस उन्होंने मुझसे ये प्रोग्राम के बारे में पूछा था क्या वो भी एलिजिब उनका काफी एक्सपीरियंस है काफी टाइम से ये कर रहे हैं काम हाँ जी एलिजिबिलिटी बन जाएगी उनकी विजय भाई अगर आप हमें देख रहे हैं सॉरी मैं आपको टाइम पे इस चीज़ का सही जवाब नहीं दे पा मुझे इसका पता नहीं था लकी भाई ने बताया आपने मुझे इंस्टाग्राम मैसेज किया था और मैंने उनका काम भी देखा था हम बचपन से बल्कि हमने उनको देखा भी है हाँ जी विजय भाई काफी नाम इतने हैं कि कोई आपको सारे प्रोग्राम्स बता भी नहीं सकता हमको खुद को भी सारे प्रोग्राम्स का पता नहीं है हम लोग बीसी में करते हैं या फेडरल के कई प्रोग्राम्स करते हैं पीएनपी uh, में तो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं कनाडा में सो so, सारे सारे प्रोग्राम्स तो कोई कर भी नहीं सकता मैयाल में कैनेडा को ऐसा करना चाहिए कि ऐसे कोर्सेज कराने चाहिए कि वर्क परमिट का कहेगी कंसल्टेंट हो बिजनेस का है क्योंकि बहुत डेफिनेटली एटी नाइन्टी प्लस स्ट्रीम्स तो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं जी हाँ जी बहुत मुश्किल है एक बंदे को इतना याद रखना राइट हाँ जी चले रखे भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम बताया जी हमारे जो आर्टिस्ट जो लोग हैं वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया में या बांग्लादेश में जो क्रिकटर्स हैं अक्सर क्रिकेटर्स भी कहते हैं क्रिकेट के वीज़ा क्रिकेट का वीज़ा कैसे लगता है सो so ये भी आप इसमें ही आ जाता है जी स्पोर्ट्स वगैरह का हो गया एथलीट्स हो गया आप लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर आप वहाँ पर hmm. परफॉर्म पर कर रहे हैं थिएटर्स वैर पे तो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं लकी भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक यू नो डिफरेंट प्रोग्राम उन्होंने हमारे साथ शेयर किया आपके साथ भी हम श्योर के बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट लेंगे आगे जाके भी हम आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बताएंगे हाँ आपको यहाँ से डिफरेंट प्रोग्राम पता चले जो पहले वीडियोस लगी हैं यूट्यूब पे लोगों ने बहुत टॉपिक्स यू you नो know, बार बार दोबारा वो कहते हैं ना कॉपी किए हुए लेकिन यहाँ से आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स आगे मिलते रहेंगे लकी भाई और मनी भाई के थ्रू और हमारे थ्रू भी डेफिनेटली आपके थ्रू चले लकी भाई थैंक यू सो मच जी टेक जी हालाज का टेक केयर